और अब आपको मिलवाते हैं 6 महीने के मिराकल बेबी से। 6 महीने की बच्ची स्कीइंग चैंपियन है, जायला नाम की ये लड़की बिना सहारे के चल नहीं पाती, लेकिन स्कीइंग बोर्ड पर पहुंचती इसका कोई सानी नहीं। ये बच्ची जितनी क्यूट है उतने ही हैरान करने वाले हैं इनके कारनामे। इनका नाम है जयाला और इन्हें पानी से बेहद प्यार है। प्यार भी ऐसा कि इस उम्र में बिना सहारे के चल पाना इनके लिए मुश्किल है, लेकिन स्कीइंग बोर्ड पर पहुंचते ही इन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। फ्लोरिडा की रहने वाली जयाला की उम्र 6 महीने और 27 दिन है। आमतौर पर बच्चे इस उम्र में घुटनों के बल चलना सीखते हैं और अपने खिलौनों में रमे रहते हैं, लेकिन जयाला ने इस छोटी सी उम्र में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है, दुनिया का यंगेस्ट वाटर स्कीयर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। इससे पहले ये रिकॉर्ड पॉक्स बोनिफे के नाम था, जिसने 6 महीने 29 दिन की उम्र में वाटर स्कीइंग की थी, लेकिन 21 मई 2016 को जयाला ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जयाला ने फ्लोरिडा के लेक सिल्वर में 686 फीट तक वाटर स्कीइंग की। जयाला के इस स्टंट के लिए खास बेबी स्की बनाया गया था। जयाला ने सेफ्टी के लिए गुलाबी रंग का इन्फ्लेटेबल वेस्ट भी पहना था। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए बोट की रफ्तार सिर्फ 11 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई थी। इस वक्त जयाला की लंबाई 2.5 फीट और वजन 9 किलो के करीब है। जयाला इतनी छोटी सी उम्र में अगर ये कारनामा कर चुकी हैं, तो इसके पीछे उनके माता पिता का डीएनए भी शामिल है, क्योंकि जयाला के पिता हित बपेयर फुट वाटर स्कीइंग के चैंपियन है, जबकि उनकी माँ लोरेन लेन चैंपियन शो स्कीयर है। ऐसे में जयाला को ये हुनर विरासत में मिला है। जयाला जब बहुत छोटी थी तब से उसे पानी से खेलना बेहद पसंद है। हालांकि बच्ची को पानी में इस तरह स्कीइंग करता देख काफी लोगों ने कहा कि इससे बच्ची की जान को खतरा हो सकता था, लेकिन उसके इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए पहले पूरी सेफ्टी का ख्याल रखा गया था और जयाला के पिता कित लगातार उसके साथ एक सेफ्टी बोट में चल रहे थे। 700 फीट तक जयाला झील में स्कीइंग करके इस रिकॉर्ड तक पहुंची है और अब पूरी दुनिया में इस प्यारी सी बच्ची के वर्ल्ड रिकॉर्ड के चर्चे हो रहे हैं। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। और कोटा के एक शख्स ने दुनिया की सबसे बड़ी पजल बनाई है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। डॉक्टर राशिदत्त शर्मा इस पजल से इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट की तैयारी आसानी से कर सकेंगे। पजल को बनाने में 10 साल लगेंगे। ये 1,29,600 अक्षर के साथ तैयार हुई है। कोटा के एक शख्स ने ऐसी वर्ड पजल बना दी है जिसको हल करना जानकारों के लिए भी चुनौती से कम नहीं है। पजल को तैयार करने में डॉक्टर आशीष दत्त शर्मा को 10 साल लगे, लेकिन इनके जुनून ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। इनकी पजल में 1,29,600 अक्षर, 10,500 शब्दों और 25,000 फिलर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें भी 8,000 शब्द तो सिर्फ इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए है। पजल जमाने के लिए डॉक्टर शर्मा ने 360 रो और 360 कॉलम का इस्तेमाल किया है, जो विश्व रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड मेल क्रू के नाम था, जिन्होंने 51,000 अक्षरों की वर्ड पजल बनाई थी। पजल में 1,29,600 अल्फाबेट से पजल बनाई गई है, जिसमें 10,500 वर्ड्स हैं, जिसमें 8,500 इंजिंग में जो वर्ड्स काम में आते हैं वो हैं, और बाकी 2,000 वर्ड डे टू डे लाइफ में जो काम में आते हैं, वोकैबुलरी जिसकी चाहिए वो है। MNIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE कर चुके डॉक्टर शर्मा पहले भी इंजीनियरिंग से जुड़ी किताबें लिखते और मॉडल्स बनाते रहे हैं। साल 2006 में जयपुर NIT में उनके कॉलेज के बच्चों को बाहर कर देने की घटना ने उनकी टीचिंग पर भी सवाल खड़े कर दिए। उनके सामने चैलेंज था कि इंजीनियरिंग के बच्चों की अंग्रेजी कैसे सुधारी जाए। डॉक्टर शर्मा बताते हैं कि उन्होंने पजल की छोटी छोटी ग्रिड बनाई। टेक्नोलॉजी में हम लोग मॉडल्स बनाने का काम हमने शुरू से ही कर दिया था। जब मैं स्टूडेंट था तभी मैंने किया। मैंने इंजीनियरिंग की बुक्स भी लिखी 150, लेकिन मुझे लगा कि शायद उससे वो पर्पस सॉल्व नहीं हो पा रहा। मैंने सोचा कि पजल फॉर्मेट में अगर लिया जाए तो बच्चे को वो वर्ड जिसकी स्पेलिंग भी याद हो जाएगी, वोकैबुलरी इंक्रीज हो जाएगी, उसका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। इस पजल को बनाने के दौरान चैलेंज भी कम नहीं था। सबसे ज्यादा दिक्कत इतनी बड़ी पजल की प्रिंटिंग में आई। अधिकतर प्रिंटिंग प्रेस 10 फीट से ज्यादा बड़ा पोस्टर बनाते ही नहीं, लेकिन जयपुर के एक प्रिंटिंग प्रेस ने इसको छापने का जिम्मा लिया। कोटा से हिमांशु मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।
एक शख्स जिनकी उम्र 73 साल है वो नई दिल्ली में रहते हैं, ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन इन सबके बीच 1990 से शुरू हुआ एक सनक जिसने इनका पीछा नहीं छोड़ा। सनक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने की है। रिकॉर्ड बनाने के लिए जुनून की जरूरत होती है, लेकिन इस जुनून के लिए कोई किस हद तक जा सकता है उसकी मिसाल है नई दिल्ली में रहने वाले 72 साल के हरप्रकाश ऋषि, जो अपने आप को गिनीज ऋषि कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने की चाहत में ऋषि अपने शरीर पर 500 टैटू गुदवा चुके हैं, साथ ही अपने मुंह में एक साथ करीब 500 स्ट्रॉ रखने का कीर्तिमान भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, वो जलती हुई 50 मोमबत्तियां भी अपने मुंह में रख चुके हैं। मैं 496 स्ट्रॉस अपने मुंह में एक साथ रखने का रिकॉर्ड बना चुका हूं। वो मेरे लिए सबसे मुश्किल था। इसके लिए मुझे मुंह में जगह चाहिए थी, मुझे अपने सारे दांत निकलवाने पड़े थे। इन सभी रिकॉर्ड्स में ऋषि के लिए सबसे खास है शरीर पर झंडों के सबसे ज्यादा टैटू बनवाना। ये टैटू दुनिया के अलग अलग देशों के झंडों के हैं। आज मेरे शरीर पर 500 टैटू हैं, जिनमें से 366 झंडों के टैटू हैं। मैंने भारत का झंडा 8 बार शरीर पर गुदवाया हुआ है। झंडों के बाद अब दुनिया की अलग अलग नामचीन हस्तियों के टैटू अपने शरीर पर ऋषि बनवा रहे हैं, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, ब्रिटेन की रानी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऋषि का नाम सबसे पहले साल 1990 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ था। अपने दो दोस्तों के साथ उन्होंने स्कूटर से 1001 किलोमीटर तक का रास्ता तय किया था। ऋषि के नाम 489 पन्नों की वसीयत लिखने, सबसे छोटे शादी के कार्ड बनाने, नई दिल्ली से 7 समुंदर पार कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में पहली बार पिज्जा की डिलीवरी कराने और टमाटर केचप की बोतल को 4 मिनट से भी कम वक्त में घटकने के कारनामे हैं। ऋषि का दावा है कि वो 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करवा चुके हैं। भले ही ये संख्या आधिकारिक ना हो, पर ये सनक कमाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और अब हम आपको हादसे की एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। बस 3 मिनट में वो नाव पलट गई। यकीन मानिए, हादसे की ऐसी तस्वीर आपने बहुत कम देखी होगी। 7 समंदर पार से तस्वीर आई है, बीच समंदर से आई है। समंदर में एक बोट जा रही थी, बोट पर सैकड़ों लोग सवार थे, नाव खचाखच भरी थी, सब कुछ शांत था। नाव आगे बढ़ती जा रही थी, तभी देखिए अचानक हादसा हुआ, नाव लड़खड़ाने लग गई, सैकड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई। समुद्र में हादसे की इस खौफनाक तस्वीर की एक एक सच्चाई हम आपको बताएंगे। हम बताएंगे आपको कि कहां ये दर्दनाक और बेहद खौफनाक हादसा हुआ। इस हादसे के शिकार हुए लोगों का क्या हुआ, इनमें से कितने लोगों की जान बची, कौन समुद्र की लहरों में समा गया, इस नाव पर सवार लोग कौन कौन है, कहां जा रहे थे, कैसे ये नाव हादसे का शिकार हो गए, कैसे सैकड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक एक करके हादसे की इन दिल दहलाने वाली तस्वीरों को देखिए। खचाखच भरी ये बोट आगे की ओर बढ़ रही है और अचानक बोट हिलने लगी। अब देखिए कैसे बोट बाईं तरफ झुक रही है। जैसे ही लोगों को अनहोनी की आहट हुई तो बोट में बैठे लोग दूसरी ओर दौड़े। लोग ये सोच रहे थे कि नाव का बैलेंस बनाकर किसी तरह से सबकी जान बच जाए, लेकिन संतुलन फिर भी ठीक नहीं हुआ। बीच समुंदर में नाव पूरी तरह से लड़खड़ा गई, हर किसी की सांसें अटक गई, लोगों को लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। और हुआ भी वही जिसकी आशंका थी,
पलक झपकते ही नाव लहरों से हारने लगी। एक एक कर लोग नाव से नीचे गिरने लगे। तस्वीरों में देखिए कि कैसे लोग नाव से चिपक कर जान बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बोट पर महिलाएं सवार थी, बच्चे सवार थे, बुजुर्ग थे और नौजवान भी थे। हर कोई धीरे धीरे समुन्द्र में गिर रहा था। जान बचाने की आखिरी जद्दोजहद जारी थी। जो कोई भी तैरना जानता था वो किनारा ढूंढने लगा, लेकिन जो तैरना नहीं जानता था वो एक एक करके समुन्द्र में समाता जा रहा था। बोट पे लीबिया के वो लोग सवार थे जो इस्लामिक स्टेट के आतंक की वजह से पलायन कर रहे थे। जिंदगी जोखिम में डालकर जिंदगी बचाने के लिए समुन्द्र के रास्ते इटली में शरण लेने की कोशिश में निकले, लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि जो जिंदगी बचाने के लिए वो अपना देश छोड़ रहे हैं, जिस कश्ती पर सवार होकर वो खौफ की दुनिया से दूर जाना चाहते हैं, वही कश्ती इन्हें मझधार में फंसा देगी।